क्या मतलब होता है नो स्पेसिफिक डिमांड से, मैं इसको यहां पे आपको समझा देता हूं। सी गाइस, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कभी हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइज, जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की पास्ट ईयर क्वेश्चंस की सीरीज बना रहे थे, आज उसी श्रृंखला में एक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओलिगोपॉली, ओके। एंड इन ओलिगोपॉली ऑल्सो गाइज, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे किंग्ड डिमांड कर्व, राइट? ठीक है। So, ये क्या होता है किंग डिमांड कर्व, कैसे काम करता है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शन में बहुत बार पूछा जा चुका है, बाकी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर में ये टॉपिक कई बार पूछा गया है। सो वेरी 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 रेलेवेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको ए टू जी सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर हम ओलिगोपॉली की बात करें तो कुछ फीचर्स हैं ओलिगोपॉली के, क्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मैं शॉर्ट में ओलिगो लिखे ले रहा हूं। ओलिगोपॉली के कुछ फीचर्स हैं, जरा उनको देख लेते हैं। पहला फीचर क्या है कि ओलिगोपॉली में कुछ फर्म्स होती हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे एक फर्म नहीं होती जैसे कि मोनोपोली में होती है, ठीक है। यहां पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरह बहुत सारी फर्म्स नहीं होती, या बट सेलेक्टेड फ्यू फर्म्स आर देयर, ओके। और क्यों ऐसा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर वी हैव फ्यू फर्म्स, एंड व्हाई ओनली फ्यू फर्म्स? क्योंकि जैसा हम लोगों ने पहले भी मोनोपोली में देखा है कि कोई गुड है जो कि ये फर्म्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कोई सर्विस है जो फर्म्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसमें इन्होंने पेटेंट करवा रखा है, बिकॉज ऑफ पेटेंट। तो कोई दूसरी फर्म या कोई न्यू प्लेयर उस गुड को या सर्विस को रेप्लीकेट नहीं कर सकता है, ओके। एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यहां पे बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, फाइन। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। उसके बाद जैसा कि आपको बताया, पेटेंट है, सो देयर विल बी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री, ऑफ द न्यू प्लेयर। कोई नया प्लेयर इतनी आसानी से नहीं आ सकता। नाउ सी गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है और इसी वजह से किंग्ड डिमांड कर्व आता है। क्या है? नो स्पेसिफिक डिमांड। देखिएगा, क्या मतलब होता है नो स्पेसिफिक डिमांड से, मैं इसको यहां पे आपको समझा देता हूं। सी गाइस, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कभी किसी सेक्टर में या किसी गुड का, बहुत सिंपल रखते हैं, किसी भी गुड का अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मल गुड है, उसका प्राइस कम हुआ, चॉकलेट है 15 रुपए की थी, 12 रुपए की हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर गई। अब लोग बहुत ज्यादा परचेस करने लगेंगे। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा ओलिगोपॉली में कि अगर कोई फर्म प्राइस को डिक्रीज करती है, इफ अ फर्म ट्राइज टू रिड्यूस द प्राइस, देन व्हाट हैपेंस इज कि जो अदर फर्म्स हैं, मैंने कहा ना यहां कोई सिंगल फर्म नहीं है, फ्यू फर्म्स आर देयर, तो जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, राइवल्स हैं, वो भी उसी परसेंटेज के साथ अपना प्राइस रिड्यूस कर देते हैं। तो जब ये राइवल्स भी अपना प्राइस रिड्यूस कर देते हैं और उतना ही जितना एक पर्टिकुलर फर्म ने किया है, तो इस फर्म को कोई एडवांटेज नहीं मिलता क्वांटिटी डिमांडेड में। यानी यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं होगी, रैदर ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहां पे जो गुड्स हैं, दे आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, तो अगर एक फर्म से नहीं ले रहे हैं तो दूसरे फर्म से ले लेंगे, सेम गुड है।
राइट right. उसके बाद फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट. देखिए यहां पे फर्म्स को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ये कोल्यूसिव ओलिगोपोली है. फर्म समझ गई हैं कि अगर हम लोग मिल करके काम करेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम ही चार पांच हैं, ओनली फ्यू ऑफ अस आर प्रेजेंट हियर, तो हम लोग क्यों ना कंबाइन कर जाएं, इंटरडिपेंडेंसी के साथ काम करें. ठीक है, सो इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म. यहां पे हमारी फर्म्स इंटरडिपेंडेंट होती हैं. उसके बाद इंटरडिपेंडेंस है, प्राइस का कंपटीशन नहीं होगा. नॉन प्राइस कंपटीशन यानी एडवर्टीजमेंट के थ्रू या कुछ एक्स्ट्रा प्रलोभन दे करके कंज्यूमर को कि एक्स्ट्रा गुड प्रोवाइड करेंगे या एडवांटेज देंगे, इस तरीके से कंपटीशन होगा. ओके, एंड सेवेंथ इज यहां पे कार्टल बन जाता है. क्यों? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फर्म्स आर गोइंग टू कोलाइड, कोल्यूसिव ओलिगोपोली होगी, तो ऑब्वियसली कार्टल फॉर्मेशन हो जाएगा. कार्टल आप समझते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं. फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करिए, ये जो हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया एंड ऑल, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने कार्टल बना रखा है. ठीक है ना, जो एक कंट्री में ऑयल का प्राइस होगा, पेट्रोल का प्राइस होगा, वही दूसरे में होगा, आप कहीं से भी लीजिए, तो एक कार्टल बना हुआ है. ये डिसीजंस भी जो बिजनेस रिलेटेड है वो मिल करके लेते हैं. ठीक है, सो ये सेवन पॉइंट्स हैं जो कि फीचर्स हैं ओलिगोपॉली के. ओके, मूविंग ऑन. नाउ सी गाइस, द किंग डिमांड कर्व दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट वॉज गिवन बाय स्वीजी. स्वीजी गेव किंग डिमांड कर्व. ठीक है, और ये कैसा होता है किंग डिमांड कर्व, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने. ओके, सो एज इन नॉर्मल डिमांड कर वी टेक प्राइस अलोंग वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, तो पहले तो ये ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारे नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह, उसके बाद इसमें किंक आ जाता है. ये देखिए किंक आ गया. ओके, दिस इज योर किंग डिमांड कर्व. यहां पर मान लीजिए प्राइस पी है एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज क्यू. ओके गाइस, चले आगे. अब देखिए इसमें होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ ओलिगोपोलिस्ट, किसी एक फर्म में जो ओलिगोपोलिस्ट है उसकी एक फर्म है, अब वो क्या करना चाहता है, इन ऑर्डर टू कैप्चर मोर ऑफ द मार्केट शेयर, ज्यादा मार्केट शेयर अक्वायर करने के लिए, ज्यादा कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ओलिगोपोलिस ने क्या किया, जो मार्केट में रेट चल रहा है गुड का ओलिगोपोली में, उसने उस रेट को, उस प्राइस को कम कर दिया. ही डिक्रीज्ड द प्राइस. मान लीजिए इसने प्राइस P1 कर दिया. ठीक है ना, तो अब क्या होना चाहिए, P1 होने की वजह से इसमें क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज कर जानी चाहिए. यस और नो? ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा और बना देता हूं शेप, तो आप और इजीली समझ पाएंगे. थोड़ा सा ये ऐसे टाइप का, हाँ, इस तरीके से. ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसा क्यों नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो बाकी ओलिगोपोलिस्ट हैं, बाकी फर्म्स हैं, उन्होंने भी अपने प्राइस को रिड्यूस कर दिया पी से P1 तक. तो मार्केट में प्राइस हो गया P1. जब मार्केट में वही प्राइस है तो आपको एक्स्ट्रा शेयर क्यों मिल जाएगा, एक्स्ट्रा कंज्यूमर्स कैसे मिल जाएंगे, आप बात समझ पा रहे हैं. तो इसलिए कोई एडवांटेज नहीं हुआ प्राइस डिक्रीज करने का, मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं हुआ, या कह लीजिए क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं हुई. ओके, सेकेंडली मान लीजिए अगर ओलिगोपोलिस्ट ने अपना प्राइस इंक्रीज किया
और इसको P2 कर दिया। जब कोई फर्म अपना प्राइस इंक्रीज करके P2 कर देगी इस केस में, तो बाकी फर्म्स उसको फॉलो नहीं करेंगी। यानी मार्केट में प्राइस रहेगा P और इस पर्टिकुलर फर्म ने अपना प्राइस कर दिया P2। सो अब क्या होगा? अब जो कस्टमर्स हैं वो इस फर्म के पास जिसने अपना प्राइस P2 कर दिया है उसके पास नहीं जाएंगे, रेदर दूसरी फर्म से वही गुड खरीदेंगे, क्योंकि गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। जिसकी वजह से आप देख लीजिए क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो जाएगी, राइट और रॉन्ग? देखिए क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दिस फर्म हैज डिक्रीज्ड नाउ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब यहीं पर मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बात भी समझा देता हूं, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, व्हाट इज एक्चुअली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है विद इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस, दैट इज यू कैन से विद चेंज इन प्राइस, हाउ मच इज द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा जब आप किसको कंसिडर कर रहे हैं? प्राइस चेंज को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? तो इफ आई नेम इट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज के, दिस पॉइंट एज एम। सो गाइज, फर्स्ट सिनेरियो, अगर कोई फर्म अपना प्राइस डिक्रीज करती है, तो मैंने आपको क्या बताया, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स सेम। एंड व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन सेम, इसका मतलब जीरो, या फिर जीरो कहना वुड बी रॉन्ग, यानी क्योंकि वो फिर परफेक्टली इनलास्टिक हो जाएगा। सो बेटर वर्ड जो आपको यूज करना है अपने आंसर राइटिंग में, वो ये होगा कि जो डिमांड कर्व है वो फॉर डिक्रीज इन प्राइस इन इलास्टिक है, यानी KM आपका इन इलास्टिक है। ओके, सेकंड सिनेरियो, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होगा? देखिए प्राइस इंक्रीज हुआ तो बाकी फर्म्स ने क्या किया? बाकी फर्म्स ने अपना प्राइस इंक्रीज नहीं किया, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर फर्म की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। यानी कि प्राइस के चेंज के साथ, इंक्रीज के साथ क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, यानी इस सिनेरियो में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी, आपका डिमांड कर इलास्टिक होगा। सो दैट मींस हियर योर KM इज इन इलास्टिक, राइट? एंड लेट्स गिव सम नेम टू दिस ऑल्सो, लेट्स कॉल इट S, and SK is your elastic. Are you able to understand, guys? ठीक है? So that was all in King Demand Curve. I hope you understood it. Topic अच्छे से clear हो गया होगा और अब आप इसको answer में लिख सकते हैं. Thank you. मिलते हैं अगले video के साथ, एक और PYQ के साथ. Thank you.